हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो मेरे बच्चों, जैसे कि आपके एग्ज़ाम पूर्ण रूप से पूरे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब क्या सोच रहे हैं आप? किस दिशा में अपना करियर चुनना चाह रहे हैं? तो जिस दिशा में भी आप अपना करियर चुनना चाह रहे हैं, तो बच्चों देरी ना करें, इसमें केवल अपने मन की सुने, इधर उधर की कोई बात आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करना है। इधर उधर की सुनने में मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आपका सगा संबंधी आपसे कहता है कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, तो आप उस रूप में अपने दिमाग में खिचड़ी बना लेते हैं और अपने ठीक रूप से डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो बच्चों, आपके साथ ये स्थिति ना आए, इस स्थिति को दूर करने के लिए केवल आप अपने मन की सुने। जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उस फील्ड में अपना करियर बनाएं। दिन रात मेहनत करें बच्चों, एक कमरे में बैठकर अपने आप ध्यान पूर्वक सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है। जब आप इसे पूर्ण रूप से निर्धारित कर लें, तब आपको केवल एक साल, मेरे बच्चे, दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, केवल एक साल की तैयारी में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपकी लगन, आपकी मेहनत उसके पीछे होनी चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, इस बढ़ते कंपटीशन की दुनिया में उनमें से आप एक भी हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कंपटीशन 60 लाख से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। एक सीट आपकी निर्धारित होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बना रहे हों। मेरे प्यारे बच्चों, आप डिसाइड करिए कि किस तरह आपको अपने टीचर और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना है। मेरे बच्चों, आज से निर्धारित कर आप अपनी तैयारी में लगें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।